हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको नेट से फ्लावर बनाना बताएंगे, जिसे आप गाउन पे या फिर किसी फ्रॉक वगैरह पे लगा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ पर उसे लगा सकते हो, इसलिए इसके तरीके से हम आपको एक फ्लावर बनाना बताएंगे, जिसके लिए हम पट्टी कट करेंगे। तो देखिए, ये पट्टी यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे अपनी, ये 3 इंच पर की चौड़ी एक पट्टी कट कर लेंगे। इसको सीधा मार्क कर लेंगे यहाँ से। ये नेट है तो इस वजह से निशान कम दिखाई दे रहा है, इसे कट करेंगे। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो और इसे एक कलर में भी बना सकते हो, आपका जिस तरीके से मन करे उस तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, हम इसे चौड़ाई और लंबाई इसकी बराबर रखेंगे, 3-3 इंच की। यहाँ से इसे 3 इंच कट कर लेंगे। अब देखिए, ये हमने 7 पट्टी कट कर ली हैं, इनकी चौड़ाई और लंबाई हमने 3-3 इंच रखी है, बराबर रखी है। तो इसके बाद में देखिए, सबसे पहले हमें इसको इस कॉर्नर से मिलाना है, फोल्ड करना है इसको और फिर इसे इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमने सुई में जो धागा डाला है उस सुई को लेंगे और यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल किनारे के पास में लेकर के यहाँ तक, जो इसका बीच सेंटर है यहाँ तक निकाल लेंगे और फिर से एक फ्लावर बनाएंगे इसी तरीके से। आप इसे किसी भी चीज़ पर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर इसे रख देंगे और यहाँ से इसे निकालेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रहे, देखिए ये भी हम इसके इस नोक का जो बीच सेंटर है वहीं तक रखेंगे और फिर से एक फ्लावर लगाएंगे इस पे बना के, इस पत्ती को इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमें इसमें 7 पत्ती जॉइंट करनी है। देखिए, 6 पट्टियां हमने लगा ली हैं, उसके बाद में ये एक और लगाएंगे। हमें ये 7 पट्टी लगानी है, 7 पट्टियां। इसी चीज का ध्यान रहे कि ये हमें जहां से भी लगानी है इसका इस नोक होनी चाहिए यहाँ पर। और इसके बाद देखिए, इसे इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर। और इसे हल्के हाथ से खींचेंगे, धागा ना टूट जाए, एक साथ नहीं खींचना है, ये हल्के हल्के हाथ से खींचना है हमको। किस तरीके से इसकी शेप आएगी, इसे हल्के हाथ से खींचेंगे तो। देखिए, इसे अच्छे से इस तरीके से टाइट खींचने के बाद, अगर हमारा इधर की साइड कोई धागे वगैरह निकला हुआ है तो उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इसमें निकाल देंगे। इसे अच्छे से इस तरीके से सिल देंगे। और उसके बाद सुई को देखिए, अंदर की तरफ से नीचे से निकाल लेंगे ऊपर की तरफ। अब इसके बाद में देखिए, हम ये मोती लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसे हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे और नीचे की तरफ नॉट्स लगा लेंगे।
अब देखिए इसी तरीके से हमने ये मल्टी कलर में बनाया और ये ग्रीन कलर में, आप किसी भी कलर में बना सकते हो और आप किसी भी गाउन या फ्रॉक वगैरह पर या किसी टॉप पर इसे अटैच कर सकते हो। ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।